A live event in Hershey, Pennsylvania. You're patient. I'm not. Oh, the Viper strikes! Look at this! भाइयों यार ये राजस्थान वाले कैसी कैसी रील डाल रहे हैं यार। भाई वो ट्रेंट बोल्ट बेचारा वापस न्यूजीलैंड चले जाएगा कि ये सब चीजों के लिए मैं पैसे नहीं ले सकता, आप अपने पैसे वापस रख लो। खलील भाई से सीखो, ऐसे चिल्लाते एक विकेट लेके मानो हैट्रिक मिल गई हो। अरे बस भी कर हसन अली, कितना चिल्लाएगा एक विकेट लेके। और सुनील नरेन हैट्रिक लेके ऐसे फेस बनाता है जैसे छक्का पड़ गया उसकी बॉल पे। अच्छा हुआ एनरिक नॉर्किया जैसे बोल्ड नहीं कर दिया गिल को, वरना खलील भाई सेलिब्रेशन कर करके गिल को बहरा कर देते। चेन्नई से हारने के बाद लखनऊ के ड्रेसिंग रूम में जमकर चले लात घूसे। हाँ भाई, अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो, ब्रॉक लेसनर सब लोग आ गए होंगे एलएसजी के अंदर। वैसे यार मेरे को नहीं पता था अर्शदीप सिंह राशिद खान का इतना बड़ा फैन है, जैसे मैच खत्म हुआ भाई फोटो खिंचाने चले गया। अच्छा ओके सॉरी बैड वन। हार्दिक भाई हमारे विनिंग टीम के कैप्टन है, फिर भी उनको थोड़ी थोड़ी हेट पड़ने लगी ट्विटर पर। भाई लोग कुछ भी उठा के डालने लगते हैं। ये हार्दिक को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वो कोई धोनी या विराट कोहली है? अबे तुमको क्या पता बैटिंग का ज्ञान दे रहे हैं या कुछ और बातें कर रहे हैं? हो सकता है बोल रहे हो कि ये लड़कीबाजी में कुछ नहीं रखा ब्रो, शादी कर ले। हो सकता है बोल रहे हो कि यार मेरे को केप टाउन से बंजी जंपिंग करनी है। कुछ भी हो सकता है। एक वो जोसेफ से कुछ बोल रहे थे, उसमें भी लोग बोलने लगे कि भाई ये क्यों चिड़चिड़ कर रहे हैं, जोसेफ ने तो दो विकेट लिए, इन्होंने तो एक भी नहीं लिया तो चिल्ला क्यों रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, मैंने ना ध्यान से बात सुनी उनकी, मैं बताता हूँ क्या बात हुई। तू बस यॉर्कर डाल भाई, मेरी बात मान, लेंथ बॉल डाल। अरे यार हर कोई लेंथ बॉल नहीं डालता आशु भाई, कैप्टन मैं हूँ, रो दूंगा सुन ले भाई। अरे उसको भोजपुरी समझ नहीं आती। मैं तो आशु भैया का फैन हो गया। आशु भैया ये बैट वेट पे ऑटोग्राफ मत दो, मेरे तो ऐसा छत पे ऑटोग्राफ डाल दो आप। वैसे गाइस वगैरह देखने मिल जाएंगे और बाकी अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। सालू इतनी बुरी हालत में ये परफॉर्मेंस देखने नहीं आया था भाई, बिल्कुल बॉर्डर गावस का ट्रॉफी लग रही है, ऐसा लग रहा है पांच फील्डरों ने घेर रखा है। इंपैक्ट प्लेयर विजय शंकर वॉक्स इन, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा मैं अंधा हूँ। झुकते हैं जनरेशनल टैलेंट, झुकाने वाला चाहिए रे भाई, मस्त बॉलिंग करता है रे बाबा ये। उर्वशी रोतेला रिएक्शन आफ्टर सीइंग ऋषभ पंत इन स्टेडियम, मेरे को जाना पड़ेगा। उर्वशी रोतेला ऑन द वे टू अरुण जेटली स्टेडियम, हम फर्स्ट। ऋषभ पंत वॉचिंग दिल्ली वर्सेस गुजरात मैच फ्रॉम द स्टेडियम, यही होता है भाई बॉयज में जो क्रिकेट का जुनून है ना, ओ लंगड़े को स्टेडियम तक पहुंचा देता है। गोश्री वालो इससे अच्छा तो मुझे इंपैक्ट प्लेयर बना के भेज देते, तब भी पंत भाई एक आध छक्का तो मार ही देते भाई एक पैर से, यही था तुम्हारा इंतजाम भोसड़ी। सरफराज प्लेइंग टू गेट सिलेक्टेड इन इंडियन टेस्ट टीम, दिल्ली कैपिटल्स हमारी क्यों बैंड बजा रहा है मालिक। गर्ल्स सॉरी यार थोड़ी सर्दी हो गई थी तो पार्टी में नहीं आऊंगी, बॉयज 15 हड्डी टूटवाने के बाद। ये एकदम सही है भाई, एकदम सच बात है। बुमराह आफ्टर इंजरी, पंत आफ्टर मेजर एक्सीडेंट, बुमराह सोच रहे हैं मुझे क्यों तोड़ा। लोएस्ट पॉइंट इन कोहलीज करियर, विराट भाई भी सोच रहे हैं कि कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी मैंने एक्साइटमेंट में। चीयर लीडर्स इन दिस मैच, कोई काम ही नहीं करना पड़ा, पर आज बटलर भाई नचाएंगे लग रहा है। उर्वशी रोतेला आउटसाइड स्टेडियम, लेट मी इन, भाई मेरी सांस जा रही है बीसीसीआई, मुझे पंत से मिलने दो। हाथ जोड़ के गुजारिश है तुम रणजी ही खेलो। पृथ्वी शॉ भाई सच में ऐसा नहीं लग रहा, वो आईफोन में आता ना अपना अवतार बनाओ, ये पृथ्वी शॉ का अवतार नहीं लग रहा है। इंजर्ड प्लेयर वॉचिंग आईपीएल 2023, ऐसा शर्ट में हाथ घुसेड़ के कौन देखता है ऐसे मैच। ऋषभ पंत फैंस मालिक आ गए मालिक, रणजी मैच स्टार्ट करवाओ, अब मजाक नहीं रहा ये। पृथ्वी शॉ गेटिंग क्लोजर डे बाय डे, उन्मुख चंद के क्लोज जो आते यार भाई क्या मतलब है, आईपीएल से टेस्ट टीम में सिलेक्शन नहीं मिलता है, इस पर इतने जोक्स बन गए ना। एक बस सरफराज अहमद और ऋषभ पंत, कल यही थी दो हाईलाइट मैच की। मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा खेल के लिए 17 हड्डियां टूटवाने के बाद भी गेम में आ जाता है। आईपीएल में इतना क्यों उछल रहा है, दम है तो रणजी में मिस। कोटला में इंपैक्ट दिखाने वाले इंपैक्ट प्लेयर की एंट्री, हे ऋषभ भाई। दिल्ली कैपिटल मेकिंग ऋषभ पंत फॉरगेट हिज एक्चुअल पेन बाय मेकिंग द मैच मोर पेनफुल, ये सही है भाई, इतना दर्दनाक मैच था कि ऋषभ भाई अपना दर्द भूल गए कि मुझे भी तो लगी हुई है। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा तनय भाई का मिस वीडियो, दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करें।